रेसिपी है गुड़ वाले चावल, क्योंकि ईद गुजरी है और स्पाइसी चीज़ें खा खा के दिल मेरा तंग आ गया था, तो मैंने कहा क्यों ना आपको एक मज़ेदार सी रेसिपी बताऊं। तो मेरे जहन में गुड़ वाले चावल आए, तो आज मैं बना रही हूँ गुड़ वाले चावल जिसकी इंग्रेडिएंट्स आपको नज़र आ रही हैं और बहुत मज़े मज़े की इसमें थोड़ी थोड़ी से ट्रिक्स हैं जो मैं आपको बताऊँगी और आपने नोट करने हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने इन्ग्रीडियंट्स से। मेरे पास चावल हैं, बासमती चावल मैंने लिए हैं, 1.5 किलो बासमती चावल हैं, गुड़ है ये भी 1.5 किलो ही है, बादाम है, चीनी है, घी है, ऑयल इसमें यूज़ नहीं होता, इसमें घी ही यूज़ होता है और ज़्यादातर मीठे में घी ही यूज़ होता है। तो ये घी है, 1 कप घी है, सौंफ है, सौंफ से मैं तड़का लगाऊंगी। चावलों को मैंने धो के अच्छे से रख लिया था, अब मैंने एक देचके में गर्म पानी करने के लिए रख दिया था, वो अच्छा खासा गर्म हो गया। अब मैं चावल उसमें ऐड करूंगी और आपने चावलों के पानी में कुछ भी ऐड नहीं करना, सिंपल चावल धो के पानी जब गर्म हो जाए उसमें आपने सीधे चावल ऐड कर देने हैं। पानी अच्छा खासा गर्म हो गया है, ये 1.5 किलो चावल मैं इसमें ऐड कर दूँगी। ये ऐड करने के बाद आपने इनको फुल कुक करना है, हाफ कुक नहीं करना, 1 कन्नी 2 कन्नी इनकी नहीं छोड़नी, क्योंकि ये मीठे चावल बन रहे हैं और मीठे चावल का जो शीरा होता है उसमें चावल कभी भी पकता नहीं है, जितना कच्चा होगा उतना ही उसमें कच्चा रहेगा, पकेगा नहीं। तो अब मैंने इसको इसमें डाल दिया है, 10 मिनट में ये फुल कुक हो जाएंगे। इसमें आपने पानी थोड़ा ज़्यादा रखना है ताकि ये इसमें गाढ़ा सा इसका ना बने, जो चावलों का ओगरा होता है वो गाढ़ी सी ना बने। अब इसको 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। दूसरा काम हमारा क्या है, ये गुड़ पूरा पूरा है, इनको तोड़ लेना है ताकि ये अच्छे से मेल्ट हो सके, तो मैं इनको तोड़ के आपको दिखाती हूँ। गुड़ कूटने की बाड़ी, तो गुड़ को ऐसे रख के आपने इसका बिल्कुल चूरा नहीं बनाना, ऐसे आप किसी कपड़े में रखें और इसको कूट लें अच्छे से। एक एक आपने इस पर डंडा मारना है जोर जोर से, तो ये ऐसे टूट जाएगा, सिर्फ इसको इतना सही तोड़ना है। ज़्यादातर गुड़ वाइट कलर में ही मिलता है, कई दफ़ा गुड़ डार्क कलर का भी मिल जाता है, तो वो काफ़ी अच्छा गुड़ के चावल बनते हैं डार्क कलर वाले। तो मेरा गुड़ जो है वो लाइट कलर का है, इसलिए मैं इसमें थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर रही हूँ ताकि अच्छा सा कलर आए। तो आप लोग भी थोड़ा सा ज़र्दा कलर ऐड कर सकते हैं, अगर आपके पास ज़र्दा कलर नहीं है तो थोड़ी सी पत्ती लेके किसी अच्छे से कपड़े में, साफ सुथरे कपड़े में पत्ती डाल के उसको बांध के, तो आप जब चावल बॉईल करें तो उस टाइम बीच में पत्ती डाल सकते हैं। अगर टी बैग्स हैं तो आप टी बैग्स भी इसमें डाल के बॉईल कर सकते हैं, तो चावलों का अच्छा सा कलर आ जाएगा। चुके हैं ये देखिए, तो अब मैं इनको छान रही हूँ, छान के फिर मैं आपको बताती हूँ नेक्स्ट स्टेप इसका क्या होगा। देखती हूँ, सबसे पहले मैं डालूंगी दूध, 1 कप इसमें दूध डालूंगी। दूध से इसलिए बना रही हूँ, ये एक टिप है बहुत कमाल की, आप पानी से भी बना सकते हैं पर उसका टेस्ट और इसके टेस्ट में जमीन आसमान का फर्क होगा, बहुत अच्छा टेस्ट बन जाएगा इससे। तो आपने इसमें गुड़ को मेल्ट करना है, पकाना है थोड़ा सा मेल्ट हो जाए, फिर इसमें हम थोड़ी सी शुगर भी ऐड करेंगे ताकि अच्छा टेस्ट आए। अभी आपने सिंपल इसको दूध में मेल्ट करना है गुड़ को। ये अच्छे से मेल्ट हो गया, इसको मैं उतार के एक साइड पर रखती हूँ। पैन में मैं वो
जो मैंने आपको कब घी दिखाया था, डालडा ये पूरा का पूरा डाल के इसे थोड़ा सा गर्म कर लें। गुड़ वाले शीरे में मैं 1 कप चीनी डाल रही हूँ ताकि मीठा इनका बराबर हो जाए। इसको डाल के थोड़ी सी हल्की आंच पे मैं इसको भी मेल्ट कर दूँ। गर्म हो चुका है, इसमें मैं 2 चम्मच डालूँगी सौंफ। इसको थोड़ा सा पकाने के बाद मैं शीरे में ऐड कर दूँगी। शीरे में मेल्ट हो चुकी है, इसकी फ्लेम में ऑफ कर रही हूँ। सौंफ भी हमारे घी में लाइट गोल्डन सी हो गई है। जब इसको लाइट गोल्डन ही करना है, डार्क गोल्डन नहीं करना है, तो इसका भी चूल्हा बंद करती हूँ। इसको ऐड करूँगी शीरे में, तो इसको मैं शीरे में ऐड कर रही हूँ। सारा का सारा शीरे में ऐड हो चुका है। इसको थोड़ा सा मिक्स करने के बाद मैं इसमें चावल ऐड करूँगी। आपने शीरा इतना लिक्विड ही नहीं बनाना कि आपको ऐसे करने से फील हो कि वो एक ठीक सा लिक्विड बन गया, वो आपके चावलों से चिपक जाएगा और अच्छे आपके गुड़ वाले चावल नहीं बनेंगे। ये देखें, जब आपका शीरा थोड़ा सा थिक हो जाए आपको लगे, तो आप उस पर 1/2 कप पानी डाल दें और उसके बाद आप उसमें चावल ऐड कर दें। तो अब इसमें चावल ऐड कर रही हूँ, मैं आपको दिखाती हूँ। तो अब मैं इसमें सारे के सारे चावल ऐड कर दूंगी जो मैंने फुल कुक करके छान के रख दिए थे। सारे के सारे चावल इसमें डल चुके हैं। ऐसे हल्का सा आप चावलों को हिला लें ताकि शीरा आपके सब चावलों पे लग जाए। ये अच्छे से मिक्स हो गए हैं, आपने इतने ज़ोर ज़ोर से नहीं हिलाना कि आपके चावल टूट जाएं। ये मिक्स हो गए हैं और एक कपड़े को आपने गीला करके निचोड़ के अच्छे से गीले कपड़े का आपने इसको दम देना है। तो ये गीला कपड़ा मैंने ऐसे इसके ऊपर डाल दिया। अब मैं इसके ऊपर कवर करके इस कपड़े को ऐसे ऊपर कर दूँगी अच्छे से, ताकि चावल अंदर तक पक जाए और दम भी अच्छे से मिल जाए। पे मैंने चावल रखती हैं 5 से 6 मिनट के लिए। अगर आपको 5 से 6 मिनट में आपके चावल दम पे ना पके, तो आप थोड़ा सा दम और भी दे सकते हैं। टू लो फ्लेम पे आपने इसको दम पे रखना है ताकि अच्छे से चावल पक जाए। फिर जब पक जाएंगे फिर मैं आपको दिखाऊंगी। बाय बाय। चावल मेरे बिल्कुल रेडी हो चुके हैं, ये देखें आप, अच्छे से ये पक गए। कहीं कहीं पर जो डार्क कलर है ये गुड़ का ही कलर है। तो चले मैं आपको डिश आउट करके दिखाती हूँ। तो आप देख सकते हैं मेरे गुड़ वाले चावल बिल्कुल रेडी हैं, कितने मज़े के बने हैं। तो आप लोगों ने इसे ज़रूर ट्राई करना है। और साथ मैंने रखा है अचार, क्योंकि गांव में अचार के साथ ही गुड़ वाले चावल सर्व किए जाते थे, तो मैंने भी रखा है। मुझे भी इसका टेस्ट अच्छा लगता है। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग भी अचार ज़रूर रखिए और टेस्ट कीजिएगा, आपको बहुत मज़ा आएगा। और मेरी रेसिपीज़ अगर आपको अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और अपनी दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।